सावेरिया ओएस का न्यू अपडेट आ गया है मी 11X एंड पोको एफ 3 के लिए। लास्ट रिव्यू सावेरिया ओएस के 6.0 का किया था, 6.1 का नहीं किया था, अब 6.2 का कर रहा हूँ। फिर भी मैं आपको यहाँ पे 6.0 के बाद जो भी चेंजेस हुए हैं, जो चीज़ें रिमूव हुई हैं, उन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो सेटिंग में भी थोड़ा सा आपके यहाँ पे हेयर फेयर हुआ, यानी कि कुछ सेटिंग्स अप डाउन इधर उधर मूव हुई हैं। बाकी अगर हम इसके अबाउट फ़ोन के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे सावेरिया ओएस का ये 6.2 वर्जन देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉयड वर्जन 13 है। सिक्योरिटी पैच अपडेट करके अब दिसंबर 2022 की कर दी गई है। कर्नल यहाँ पे सावेरिया लिखा हुआ जो पहले मिलता था वही है, बट अपडेटेड है पिछले वाले से। एंड वाईफाई एंड नेटवर्क के अंदर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ये सेटिंग्स आपकी पहले वाली रहने वाली है। और कनेक्टेड डिवाइसेस की भी बात करें तो कास्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है पहले की तरह ही। और डिस्प्ले के अंदर में यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए इसके लॉक स्क्रीन में, जैसे कि नाउ प्लेइंग अब ऐड हो चुका, उस टाइम पे देखने को नहीं मिला करता था, अब ये जो है देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वहीं अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे भी पहले जो है हमारा रिफ्रेश रेट के लिए ऑटोमेटिक एक दिया हुआ था, जिसमें आपका 60 to 120 हर्ट्ज ऑटोमेटिक इनेबल होगा, बस एक टॉगल दिया था। बट अभी आपको मिनिमम मैक्सिमम और लो पावर रिफ्रेश रेट भी दे दिया गया, तो मैनुअली आप अपने हिसाब से एडजस्ट आप कर पाओगे। वहीं फिर बाकी और आपको डिस्प्ले में कोई चेंज नहीं मिलता। सावेरिया सेटिंग्स की बात करें तो इसके यहाँ पे कस्टमाइजेशन में कुछ चेंजेस हुए। सिस्टम के अंदर जनरल 2x में अब जाओगे, अनलॉक हायर FPS इन गेम का ये ऑप्शन अब न्यू देखने को मिल जाता है। इसके अंदर पहले USB कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ था। बटन के अंदर में हालांकि कोई चेंज नहीं हुआ, बटन की पूरी सेटिंग्स वही पहले वाली ही देखने को मिलती है। नोटिफिकेशन के अंदर में भी हमें कोई चेंज नहीं मिलता और डायलर भी आपका वही पहले वाला ही रहने वाला है। पैनल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर में भी वैसे हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। जो सेटिंग्स यहाँ पे मिल रही है पूरी तरीके से वही पहले वाली है, पिछले जो कुछ अपडेट में मिली थी वही है। नोटिफिकेशन में वाइब्रेट ऑन टच का ये ऑप्शन न्यू है, जिसमें आप टॉगल पे अपने यानी कि टाइल्स पे टच करोगे वाइब्रेट होगा, तो ये वाइब्रेट ऑन टच का ऑप्शन न्यू है। बाकी के जो ऑप्शन है वो आपके सेम रहने वाले, इनमें और कोई चेंज देखने को आपको नहीं मिलता, सिर्फ एक है। नेविगेशन बार लेआउट के लिए है, जो कि सेम ही है। जेस्चर की बात करें तो यहाँ पर डबल टैप टू डोज का ये ऑप्शन अब हमें न्यू देखने को मिल जाता है। एंड स्वाइप टू स्क्रीनशॉट जैसे पहले थी उसी तरीके से सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। गेम स्पेस भी हालांकि सेम रहेगा। एंड UI सेटिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। नीचे में पहले क्या था कि यहाँ पे मोनेट का ऑप्शन था, जैसे कि ऊपर आप थीमिंग का सेक्शन है इसी तरीके से मोनेट का भी ऑप्शन था, जिसमें यूज ब्लैक थीम का ऑप्शन मिलता था और कस्टम कलर लगाने के लिए था, जो कि पूरी तरीके से रिमूव हो चुका था, अब हमें देखने को नहीं मिलता है। एंड लॉक्सिन के अंदर में कोई चेंज नहीं रहेगा, लॉक्सिन पूरा सेम है। फिर लास्ट में अबाउट सावेरिया है। और अब वॉलपेपर एंड स्टाइल की अगर बात करें तो वॉलपेपर हालांकि इसका जो डिफ़ॉल्ट पहले मिलता था वही रहेगा, और इसी के अंदर से मैं वॉलपेपर यूज़ क्यों इतने मिलते हैं तो। एंड वॉलपेपर जो यहाँ पे थीम्ड कलर दिया गया, पहले प्रॉपर अप्लाई नहीं होता था, अब देखोगे तो प्रॉपर डॉक पे हमारे अप्लाई हो जाता है। अपग्रेड भी वैसे सेम ही रहने वाला है। अब यहाँ पे जो है इसका जो साउंड एंड वाइब्रेशन है, यहाँ की अगर बात करें तो एडिप्टिव साउंड का ऑप्शन न्यू मिल जाएगा, जिससे आपके फ़ोन के जो स्पीकर क्वालिटी है थोड़ा इंप्रूव कर देता है उसकी क्वालिटी को, तो ये मिल जाएगा। नाउ प्लेइंग यहाँ पे भी शो करता है। बाकी मीडिया के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि शो मीडिया ऑन लॉकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। और एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, अब मीडिया प्लेयर जो यहाँ पे लेआउट जो है इसमें आपका QPR2 जो अभी बीटा एंड्रॉयड 13 के मिल रहे हैं, उसके कुछ कुछ फीचर अब आपको सभी एंड्रॉयड 13 में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी इसका जो बेव है उसमें देखोगे थोड़ा सा एरो जो है वो अलग देखने को मिल रहा है। एनिमेशन में थोड़ा फर्क आप अब देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जितने भी लेटेस्ट मिलेंगे एंड्रॉयड 13 के अपडेट उनमें धीरे धीरे अब ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली, यहाँ पे भी देखने की हमें मिल जाता है। बाकी अगर देखें सेटिंग में तो कहीं पे कोई चेंज नहीं है, बस वही आपको चेंज मिलता, बाकी यहाँ पे कोई भी साउंड इफेक्ट भी हमें देखने को नहीं मिलता। बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी का थर्मल प्रोफाइल सेम रहेगा, बैटरी यूजेस ऐड हो रहा है, बट बैटरी चार्जिंग वार्निंग का ऑप्शन न्यू देखने को मिल जाएगा, तो आप इसका यूज़ यहाँ से कर पाओगे। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके बैटरी परसेंटेज के बारे में तो यहाँ वाला ये किसी काम का नहीं, इसे इग्नोर ही करें, पहले भी था और अभी भी है। बैटरी की बात करें 2 hours 80% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 92% है, पिछले में 91 था, यानी कि बैटरी पहले जैसी, बैटरी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऐप्स के अंदर में डिफॉल्ट ऐप यानी कि जो लॉन्चर इसका, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि ऐप एड ग्लेंस पहले नहीं था अब मिल जाता है, गूगल सर्च बार मिल जाता है, और यूज़ टास्क बार अब हमें मिल जाता है, पहले नहीं मिलता था। कुछ इस तरीके से यूज़ कर पाओगे यहाँ पे टास्क बार का, स्प्लिट स्क्रीन भी आप यहीं से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो इस तरीके से होल्ड एंड ड्रैग करके, और साइड में कहीं खाली स्पेस पर अगर आप होल्ड करते हो तो हाइड भी हो जाएगा, वापस पिल पे होल्ड करोगे वापस शो करने लग जाएगा। इस तरीके से टास्क बार का भी आप यूज़ कर पाओगे इसके अंदर में, जो कि अच्छे तरीके से काम करता है, तो ये भी यहाँ पे फिलहाल ऐड हो चुका है। तो ये कुछ 2 से 3 चेंजेस आपको यहाँ पे इसके लॉन्चर के अंदर भी
मिल जाता है। बाकी आपका सिमिलर वही पहले जैसा ही लॉन्चर रहने वाला है, बस सेटिंग में थोड़ा इधर उधर मूव हुआ है, बाकी और कुछ चेंज नहीं है। गेम स्पेस यहाँ पे भी जैसे कि मिल जाता है, असिस्टेंट पहले यहाँ नहीं मिला करता था, अब यहाँ पे भी मिल जाता है। वैसे ओके गूगल काम करता है, इसके अंदर में यूज़ कर पाओगे। और फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन सेम रहेगा, नोटिफिकेशन में कोई चेंज नहीं हुआ अभी तक उतने टाइम से लेकर के। सिक्योरिटी अनलॉकिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी सेटिंग्स के मामले में यहाँ पे तो हालांकि ऐसा कोई चेंज नहीं मिलता। और फेस अनलॉक यहाँ पे अब न्यू मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे हमें सिर्फ फिंगरप्रिंट देखने को मिलता था, लेकिन अभी जो है फेस अनलॉक भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, ऐप लॉक पे जो ये आइकन मिल रहा है ये न्यू देखने को मिल जाता है, साथ साथ फिंगरप्रिंट ऐड करोगे उस टाइम पे भी जो एनिमेशन है वो न्यू देखने को अब मिलेगा, पहले उस तरीके से नहीं था। हालांकि सेटिंग्स के मामले में ऐसा कोई चेंज नहीं है, सेटिंग्स आपकी सेम रहेगी जैसे कि पहले थी, सेटिंग्स में ऐसा कुछ न्यू ऑप्शन ऐड नहीं हुआ है। और फिंगरप्रिंट दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन रहने वाला, अच्छी तरीके से काम कर रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाता है। और जो फेस अनलॉक है इसका भी रिस्पॉन्स अच्छा ही रहेगा, यहाँ पे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बाहर में आपका यूटिलिटी सेम ही रहेगा, हालांकि यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। और जो सेफ्टी इमरजेंसी डिस्टर्बिंग ये सब सेम रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं है। सिस्टम के अंदर में भी अगर लैंग्वेज में देखोगे ऐप लैंग्वेज तो वही सेम जैसे पहले थी वही है। एंड जेस्चर के अंदर कुछ चेंज हुआ, जैसे कि सिस्टम नेविगेशन के सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे अब जो है यहाँ पे पिल लेंथ कंट्रोल कर पाओगे, पिल लेंथ साथ साथ हाइड एमी बटन स्पेस मिल जाता है, कीबोर्ड के नीचे का स्पेस ऑन ऑफ कर पाओगे, बैक जेस्चर जो हमारा है उसका एरो को आप ऑफ कर पाओगे यानी कि एनिमेशन को। ये ऊपर के तीन ऑप्शन न्यू है, बाकी सब कुछ सेम है। और 3-10 निवेशन की सेटिंग सेम ही रहेगी। और प्रेस एंड होल्ड पावर बटन असिस्टेंट में अब पावर मेन्यू भी मिल जाता है, पहले सिर्फ डिजिटल असिस्टेंट था, अब अपने हिसाब से यहाँ पे पावर बटन को होल्ड करने पे क्या चाहिए आपको आप सेट कर पाओगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, अपडेटर पहले की तरह आपको मिल जाएगा और डेवलपर ऑप्शन के अंदर हाइड नोच देखने को मिल जाता है। वहीं एनिमेशन की अगर बात करें तो एनिमेशन में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं है, एनिमेशन आपको अभी भी अच्छा मिल जाता है। बस एक चीज़ आपको यहाँ पे चेंज जैसे कि बताया था QPR2 का जो बीटा भी मिल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे अब लेटेस्ट में अब एनिमेशन देखोगे तो स्टेटस बार किस तरीके से एडजस्ट हो रहा है जैसे हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको फर्क देखने को मिलेगा। कुछ कुछ चीज़ें जो एनिमेशन में वो थोड़ा न्यू ज़रूर आपको मिल जाती है। एंड टाइल्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो है टाइल्स हमें जो पहले मिला करते थे टाइल्स में कोई चेंज नहीं मिलता, बट स्टेटस बार जो एडजस्ट होता है स्क्रॉल डाउन करने पे वो थोड़ा न्यू है। बाकी यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेम सेटिंग्स के साथ रहेगा, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का परफॉर्मेंस है वो भी सेम मिल जाता है, ऐसे तो बिल्कुल स्मूथ आपको मिल जाएगा, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने पे जैसे कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो एनिमेशन जैसे कि ज़्यादा थोड़ा हैवी सा रहता है उनमें थोड़ा आपको फ़र्क देखने को ज़रूर मिलेगा, काफ़ी लाइट सा लैग मिल जाता है उसमें, बट ऐसे नॉर्मली कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम स्लाइडर सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर हम ऐप ओपनिंग की बात करें तो ये भी जो है स्मूथ ही है, 120 हर्ट्ज़ से इनेबल कर रखा है, इसके अंदर अच्छी तरीके से काम कर रहा है, इसमें मुझे कोई भी एनिमेशन नहीं मिलती, अच्छी तरीके से काम कर रहा है। 60 हर्ट्ज़ पर भी वैसे आपको ज़्यादा कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा था, एनिमेशन के मामले में कोई दिक्कत नहीं। और जो यहाँ पे रीसेंट है पूरा सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं मिलता। अब अगर कैमरे की बात करें तो वही सेम नॉर्मल वाला ही कैमरा मिलेगा, डिफॉल्ट में प्री इंस्टॉल GK मैनुअली इंस्टॉल कर लेना, अच्छी तरीके से काम कर जाएगा, मैनुअली इंस्टॉल किया हूँ। और गैलरी भी नॉर्मली मिलती है, और कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की प्रॉब्लम जैसे पहले मिला करती थी क्रश वाली वो भी यहाँ पे रहेगी। गूगल फोटो इंस्टॉल करोगे उसमें अनलिमिटेड स्टोरेज आपको मिल जाएगा, कोई साउंड इफेक्ट इसके अंदर नहीं मिलता जैसे कि पहले बताया था। प्ले स्टोर लेकिन सर्टिफाइड मिल जाता है, तो बैंकिंग ऐप यूज़ करने में दिक्कत नहीं होगा, आराम से बैंकिंग ऐप भी सेफ बिल्कुल यूज़ कर पाओगे। एंड कॉलिंग के अंदर में वॉल्टी काम करता है, बट कैरियर वीडियो कॉल का बग अभी भी मिलता है। वाईफाई कॉलिंग अब यहाँ पे काम कर रहा, पहले नहीं काम करता था। और इसके अंदर जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है बिल्कुल काम कर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग अलर्ट करता है बट वर्किंग रहेगा। और जो ब्लूटूथ डिवाइस है जैसे ईयरबड्स या ब्लूटूथ डिवाइस कोई भी, उस पर आप मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पर यूज़ कर पाओगे, दोनों अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एंड टू स्कोर अगर हम देखें तो 7,06,110 मिला है, पिछले में 6,98,000 देखने को मिला था। CPU थ्रोटल अगर हम देखें तो 79% है, पिछले में 95% देखने को मिला था। और जो Geekbench स्कोर इस बार सिंगल स्कोर 972 आया है और मल्टी स्कोर 2785, पिछले में सिंगल स्कोर 963 था और मल्टी स्कोर 2837 जो है देखने को हमें मिला था। तो ये कुछ स्कोर देखने को मिल जाते हैं। एंड इसका जो गेम स्पेस रहेगा वो आपका वही पहले वाला रहेगा, गेम स्पेस में ऐसा कुछ चेंज नहीं है, एसेंट कलर देखने को मिल जाते हैं यानी कि मोनेट जो कलर है यहाँ पे मिल जाता है। बाकी ग्राफिक में ज़रूर आप 90 FPS का ऑप्शन मिल गया जैसे कि इस गेम की सेटिंग्स के अंदर दे दिया गया, हायर गेम FPS इनेबल कर पाएंगे। बाकी और ग्राफिक आपका वही सेम पहले जैसा अनलॉक मिलेगा, तो हम स्मूथ एंड 90 FPS पे खेल रहे हैं तो ज़रूर पिछले अपडेट से थोड़ा यहाँ पे बेटर लग रहा है 90 FPS, क्योंकि बेटर रहेगा यहाँ पे। तो एक चीज़ और आपको बता दूं कि 90 FPS यहाँ से सेलेक्ट करते हो तो डिस्प्ले के सेटिंग्स के भी अंदर से भी रिफ्रेश रेट को जो है 120 हर्ट्ज़ पे सेलेक्ट कर लेना। अगर 60 हर्ट्ज़ सेलेक्ट करके रखे हो तो यहाँ से 90 सेलेक्ट करोगे फिर भी आपका 60 हर्ट्ज़ पे ही गेम चलने वाला है, इसलिए वहाँ से भी 120 हर्ट्ज़ सेलेक्ट कर लेना। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ ये चीज़ भी। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, गेमिंग परफॉर्मेंस ऐसे आपको अच्छी मिल जाती है, पहले भी अच्छी थी तो गेमिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, गेमिंग अभी भी अच्छी देखने को यहाँ पे
मिल जाती है। और जो चेंजेस थे वो जैसे कि आपको बताया एंड्रॉइड 13 के जो बीटा भी QPR2 वाला जो अभी देखने को मिल रहा है उसके भी कुछ कुछ फीचर मिल रहे हैं। और ये फीचर जो है सिर्फ इस रोम में नहीं बाकी जितने भी अब जो लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 आपको देखने को मिलेंगे उनमें भी मीडिया प्लेयर बिल्कुल सेम या बिल्कुल लेटेस्ट वाला मिलेगा। और जो स्टेटस बार के एनिमेशन है वो भी थोड़ा सा आपको उसी टाइप से देखने को मिलने वाला। तो धीरे धीरे हर अपडेट के बाद आपको कुछ ना कुछ न्यू देखने को मिलेगा जो कि मैं आगे के अपडेट्स में बता दिया करूँगा आपको। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।